अरे अंकल देखने दो ना रावण, अरे हम भी तो आपकी सोसाइटी के हैं। क्या तो फिर मैंने आज तक तुम्हें यहाँ देखा क्यों नहीं? अरे अंकल हमें देखोगे तो तब ना जब हम आपकी सोसाइटी में रहते होंगे। मतलब? अरे मतलब अंकल हम आपके पड़ोस वाली सोसाइटी के हैं, तुम्हारा ए ब्लॉक और हमारा बी ब्लॉक। अच्छा बी ब्लॉक वाले हो और रावण हमारे यहाँ ए ब्लॉक में देखने आए हो। हाँ जी अब समझे ना आप हम बी ब्लॉक वालों को। अबे ओ बी ब्लॉक वालों अपनी ये सी वाली शकल उठाओ और निकलो यहाँ से। सोसाइटी के आसपास दिख मत जाना, तुम्हें पता नहीं है क्या आउटसाइडर अलाउड नहीं है यहाँ। अरे चौकीदार कहाँ है, भगाओ इन्हें। अरे अंकल जा रहे हैं ना ऐसे, आप चौकीदार को क्यों बुला रहे हो, चल बे हल्के चल। अबे ऐसे कैसे जा रहे हैं, ओ अंकल हमें जानते नहीं हो क्या, नाम है हल्का काम है फलका, चावल की तरह चाट दूंगा तुम्हारी बोटी बोटी काट दूंगा। क्या बोला, मेरी बोटी बोटी काटेगा? अरे कहाँ गया चौकीदार, भगाओ इन्हें, कोई पुलिस बुलाओ। अबे चल तू आज कलेश करवाएगा चल। अबे आज तेरा भाई इसका सर फोड़ेगा। अबे यार हल्के तू पागल है क्या, तू इसका सर फोड़ेगा? अबे तेरे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी, तू चल यहाँ से। यार चल यार हल्के, यार हल्के तू ना आज कलेश करवा देता अपने, है ना गुस्से पे थोड़ा ना कंट्रोल करा कर, वरना तेरे इस लोहे जैसे शरीर पे ना वेल्डिंग करवानी पड़ जाएगी। अबे यार पंकज तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना तुझे ना कुछ नहीं होगा, तू तो जानता ही है नाम है हल्का काम है फलका। यार एक तो है ना तू बार बार ये फलका मत बोला कर, अरे अजीब लगता है यार। अरे भाई मेरे पापा का काम है फलका, फ्रूट मार्केट में फ्रूट लगाते हैं। अरे छोड़ भाई यार चल घर चलते हैं। अबे ऐसे कैसे चलते हैं, आज तो मेरा रावण देख के ही जाऊंगा। अबे यार तूने भी देखा नहीं क्या, अबे बी ब्लॉक वाले प्रधान ने कैसे भगाया हमें। अबे सिर्फ उसी ने तो भगाया, चलना दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। और अगर वहां से भी भगा दिया तो? अबे मुझे लगता है ना वहां से नहीं भगाएंगे, सिर्फ यही प्रधान खड़ूस है, बाकी सोसाइटी वाले ना समझदार हैं। अबे नहीं यार छोड़, वहां भी बेइज्जती ना हो जाए। अच्छा चल ठीक है, अगर उन्होंने भगाया ना तो मुझे भगा भगा के मारिए कुत्ते की तरह। ठीक है चल चलते हैं, लेकिन याद रखियो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कुत्ते की तरह चल। ले अब बोल। अबे इन्होंने भगाया थोड़ी है, सिर्फ लिखा हुआ है आउटसाइडर नॉट अलाउड, चला जा दूसरी सोसाइटी में चलते हैं। अबे बी ब्लॉक वाला भागो यहां से। देखा हल्के इतना मारता ना वो हमें, तू भी याद रखता और मैं भी। अबे देखा नहीं तूने, अंदर से छुप के बोल रहा, बाहर आता ना तब बताता, और तू जानता नहीं है क्या नाम है हल्का काम है फलका, चावल की तरह चाट दूंगा बोटी बोटी काट दूंगा। देख रहा है अंदर से आवाज नहीं आ रही, लगता है डर गया हमसे। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आवाज तो तेरी आएगी। मन तो कर रहे हैं ये फ्लावर बोर्ड है ना इसके नीचे दबा के तुझे मार दूं। ओए मां अरे ओ पंकज मुझे ना इतना भी हल्का मत समझ, मुझे दबाने से पहले ना पहाड़ भी सोचने पड़ जाता है। सोचता होगा पहाड़ भी कि इसको दबा के मारूं या पहाड़ों पे चलती हवाओं से ना इसको उड़ा के मार दूं। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों जने, और तुम लोग कहां थे सुबह से, आज दशहरा है तो कुछ तैयारी वैयारी करनी है या नहीं करनी है? अरे मम्मी हमें रावण देखना था। हां तो देख लो ना जाके, क्या हुआ? अरे कैसे देखे मम्मी, कोई सोसाइटी वाला हमें घुसने ही नहीं दे रहा। क्या क्या कहा, सोसाइटी वाला कोई मेरे बच्चों को घुसने नहीं दे रहा? हे भगवान काश मेरे पास इतने सारे पैसे होते, मैं अपने बच्चों को श्रीलंका ले जाती और वहीं ले जाकर रावण दिखा के लाती। बस आंटी इससे आप करो ना, देखा नहीं जा रहा आपको, उन लोगों ने रुलाया है ना उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी उठा के आता हूं। अरे हल्के भाई बैठ जा यार क्या कर रहा है। और मम्मी आप हमें श्रीलंका लेके जाओगी हैं? अरे 2 रुपए तो आपसे दिए नहीं जाते, श्रीलंका कैसे लेके जाओगी? हाँ हाँ तो वो पैसे इसलिए तो तुझे नहीं देती, अरे मैं जोड़ रही हूँ ना ताकि तुम लोगों को श्रीलंका ले जा सकूँ। अरे लेकिन श्रीलंका लेके क्यों जाओगी? अरे तेरी शादी वहीं करवाऊंगी ना, तेरे दादाजी है ना उनका सपना था कि हमारे परिवार में से किसी एक जने की शादी श्रीलंका जाकर जरूर हो, तो बस वही सपना मुझे पूरा करना है। आंटी मैं भी चलूंगा फिर, पर मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो मेरे पैसे भी आप ही दे देना। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि अपने बेटे के इस भिखारी दोस्त को भी मैं श्रीलंका ले जा पाती। क्या यार मम्मी आप फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ सही कह रहा है बेटा, माँ बाप तो सिर्फ खिलाने और पिलाने के लिए ही होती है, तुम लोगों को कुछ बोल दो ना तो तुम्हारे पिछवाड़ों में तो मिर्चियाँ लग जाती है। अरे मम्मी दोस्त के आगे तो कम से कम कुछ सोच समझ के बोला करो। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम लोगों को भगाया किसने? अरे आंटी वही ए ब्लॉक का प्रधान, और वो दो सोसाइटी वाले भी थे, उनकी ऐसी की तैसी उन्होंने मना कैसे करा, वो जानते नहीं है नाम है हल्का काम है फलका, अभी बता क्या था उनको। अरे भाई बैठ जा यार हल्का बैठ जा। अरे किसका फलका काम है? अरे आंटी मेरे पापा का काम है फलका, बताया था। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू बार बार क्यों बताता फिरता है,
बाकी आंटी आपको याद रहे मेरे पापा की ना फल की दुकान है, कभी भी आपको फल लेना हो ना, सेब केला संतरा, मेरे पापा की दुकान से आके ले लेना, सब मिलता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम बी ब्लॉक है तो क्या हुआ, हम रावण नहीं देख सकते? हाँ नहीं तो कभी तो हमारे यहाँ भी रावण लगेगा। अरे स्वीटी क्या हो गया, तुझे क्या क्या भगा दिया उन लोगों ने? ऐसे कह रहे कि छपरी हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, बताओ जरा मेरी शक्ल से मैं छपरी लग रही हूँ? अरे क्या हो गया स्वीटी, देखना जरा मैं रावण देखने गई थी, ए ब्लॉक वालों ने भगा दिया मुझे वहाँ से। हाँ हम दोनों को भी भगा दिया। तुम दोनों को भी भगा दिया, ये मजा आया मजा आया, इसका मतलब हम तीनों एक जैसे हो गए बाबू, है ना? क्या कहा बाबू? बाबू तो मैं तेरे पापा को कह के बुलाया करते थे। अरे मम्मी आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से जाओ। हे भगवान देख कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू, आज मुझे बेटा मेरे घर से ही भगा रहा है। अरे मैंने कब भगाया आपको घर से, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ यहाँ से जाओ और कुछ खाने के लिए बना दो हमारे लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी जाती हूँ। बच्चों बताओ क्या खाओगे तुम लोग? एक प्लेट चिल्ली पटाटो और मोमोज बना दो आंटी जी। चाइनीज रेस्टोरेंट में है ना, एक प्लेट चिल्ली पटाटो और मोमोज है, अबे ऐसा थप्पड़ मारूंगा चार दिन तक नाश्ता फिरेगा। मम्मी आप कुछ भी बना लाओ। ठीक है आंटी जी पनीर के पकौड़े बना दो। पनीर के पकौड़े बना दो? मम्मी एक काम करना, पनीर के पकौड़ों में ना जहर की दो गोली भी डाल के इसको खिला देना ताकि ये खाते ही मर जाए। हाँ पंकज काश हमारे घर में जहर की गोली होती तो मैं इस हल्के को खिला के मार पाती। ठीक है आंटी एक काम करो आप ना कुछ भी बना दो लेकिन बिना जहर के। हाँ ठीक है जा रही हूँ। अबे ओए क्या फिल्म है तेरी मम्मी जहर देने की बात कर रही है? मेरी मम्मी को फिल्म बोलता है तेरी तो। अबे यार पंकज तुझे रावण देखना है ना? हाँ यार स्वीटी देखना तो है लेकिन कैसे? मैं कह रहा हूँ मेरी नजर में ना एक सोसाइटी है वहाँ ट्राई करके देखते हैं। अबे मुंह पे ना उंगली रख ले और बोल मत जाइयो, चुप बैठ। ओए माँ। पंकज एक काम करते हैं लाल किला चलते हैं, वहाँ पे रावण देख के आएंगे बहुत मजा आएगा। लाल किला चलते हैं? अबे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लाल किला जाएंगे कैसे? मेरी माँ मुझे 10 रुपए नहीं देती है। लाल किला चलते हैं, कैसे जाएंगे लाल किला? तुझ पर ही तो नहीं है, तेरे ये दोस्त कंगला इस पर तो होंगे। कंगला नहीं हल्का। हाँ एक ही बात है, तुम्हारे दोस्त कंगला हमेशा तुम्हारे पैसे खर्च करवाता रहता है, इसको बोलो ना पैसे लेकर आएगा फल बेचकर। यार हम ना गरीब है पैसे नहीं है हमारे पास, फल का काम है हमारा, अगर इतने मेरे पास पैसे होते तो हल्का थोड़ी होता, हट्टा कट्टा मोटा ताजा होता। अबे यार अब क्या करे, सुबह के 11:30 बज चुके हैं, अब कहाँ से लाएंगे हम रावण, शाम होने वाली है। हाँ यार समझ नहीं आ रहा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। एक काम करते हैं रावण खरीदने के लिए ना चंदा इकट्ठा करते हैं। अबे यार हल्का तू खुद तो हल्का है, कम से कम बातों में तो वजन रखा कर, देखा है ना हमारी सोसाइटी वाले कितने कंजूस है, वो देंगे पैसे? अरे तू जानती नहीं मेरे को, तू मेरे को ऐसे बोलेगी? जानती नहीं मेरे को, नाम है हल्का काम है फलका, तुझे मैं अभी बताता हूँ, जानती है क्या मेरे बारे में? अरे बस करो यार, सर में दर्द कर रखा है, एक तो रावण नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुमने यहीं पे आपस में लड़ाई करके खुद ही रावण की औलादे बनते जा रहे हो। देखना ये तेरा दोस्त ही लड़ रहा है मेरे से, तू खुद बता क्या हमारी सोसाइटी वाले ऐसे हैं, कोई देगा पैसे? कंगले सारे के सारे फटीचर कहीं के। लेकिन पंकज तू ही बता ट्राई करने में जा ही क्या रहा है, क्या पता काम बन जाए हमारा। हाँ स्वीटी हल्के की बात में तो दम है, हमें ट्राई तो करना चाहिए एक बार। हाँ बेटा बात में तो दम है, ट्राई हमेशा करते ही रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लो भाई अब तो मम्मी ने भी हमें पूरा सपोर्ट दे दिया है, अब तो हमें ट्राई करना ही चाहिए, चलो। अरे और जो मैंने पकौड़े बनाए घर पे वो तो खा लो चल के, कम से कम कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें पार्क में, अब जाके मिले हो। अरे मम्मी आप खा लेना अभी हमें जाने दो, चलो चलो। अरे सुनो बेटा काश मेरे 100-200 बच्चे होते तो आज वो पकौड़े खा के सारे खत्म कर चुके होते। क्या करूँ मैं ही खा लेती हूँ जाके फिर अब। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, बोलो बेटा क्या काम था? वो अंकल जी आज दशहरा है ना तो रावण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। पर बेटा तुम लोग तो आने में लेट हो गए, अभी अभी 2 बच्चे आए थे, मैंने उनको 100 रुपए दे दिए। क्या कोई ले गया? अरे तो क्या हुआ अंकल हमको भी दे दो, 100 ना सही तो 99 ही दे दो। अबे चल कुपोषण के शिकार। अरे वो नाम है हल्का काम है। अंकल जी मैं क्या कह रहा था देख लो ना कुछ हो पाए तो प्लीज दे दो। अरे अरे रुको रुको, चलो ठीक है तुम लोग कह रहे हो ना तो
ये लो 5 रुपए। काम करो अंकल, इन 5 रुपए को ना अपने पास ही रखो, इससे अपना एक नया घर बनवा लेना। क्या बोला तू? एक काम कर, पैसे वापस दे, तू मेरे पैसे दे वापस दे। अरे नहीं नहीं अंकल, छोड़ो ना इसको, ये तो ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा ना पागल है पागल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ इस कुपोषण की दुकान को यहाँ से। कुपोषण कैसे हुआ अंकल? जानता नहीं है, नाम है हल्का, काम है फलका। अरे यार चुप कर यार, तू हल्का क्या कर रहा है यार? अबे 5 रुपए मिले हैं, तू ये भी छिनवा देता यार। मुझे तो लग रहा है कि ना हमारा मिशन कामयाब हो रहा है। चलो जल्दी से औरों के घर जाके चंदा इकट्ठा करते हैं। चलो 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 चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हाँ आंटी जी, वो दशहरे के लिए ना चंदा चाहिए था। अच्छा बेटा, मैं अभी देती हूँ आपको, ये लो मेरी तरफ से 2 रुपए अपनी खुशी से। 2 रुपए? हाँ बेटा, खुश हो गए ना, अब मौज लो। अरे वो आंटी, इतना बड़ा घर ले रखा है, कम से कम 500 रुपए दो। देखो बेटा, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, मैंने जो तुमको 2 रुपए दिए थे ना, वो भी वापस कर दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये तो ना समझ है, बच्चे हैं, 2 रुपए भी बहुत है। थैंक यू आंटी जी, चलो भाई चलो। क्या यार, तुम दोनों पागल हो क्या? आई हुई लक्ष्मी को कौन वापिस करता है, है? और हल्के तू थोड़ा ना कम बोला कर, हर जगह बहुत ज्यादा बोलता है, किसी दिन ना पीट दूंगा तुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब पैसे तो गिन लो। हाँ हाँ गिनते हैं, वैसे मुझे लगता है आज हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ भाई अब गिन जल्दी से। हाँ ठीक है गिनते हैं। अरे ये तो सिर्फ 300 रुपए हुए हैं, चंदा भी हमने हर एक घर से मांग लिया है, और रावण के लिए कम से कम 5,000 रुपए तो चाहिए रहेंगे। अब क्या करें? पंकज एक काम करते हैं, इन 300 रुपए के ना मोमोज खा लेते हैं, और जब मिर्ची लगेगी ना आग बंद करके हम सोच लेंगे कि हमें रावण दिख गया। बेटी हमें ना असली का रावण चाहिए, ये मोमोज तो हम बाद में भी खाते रहेंगे। अरे यार अब तो हम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना हमारे पास पैसे है, ना हम रावण खरीद सकते, हम करें क्या? हमारे पास पैसे भी कम है और ना हम रावण खरीद सकते हैं, तो हम अपना ही रावण बना लेते हैं। अरे वाह स्वीटी, बात में तो तेरी दम है, अब हम अपना ही रावण बनाएंगे। हाँ और वो एकदम मेरे जैसा भयानक और तंदुरुस्त दिखना चाहिए। अरे यार तू चुप रह, खुजले कुत्ते, और शांत रह, मुंह पे उंगली रख, चलो टीम अप करो सब। हाँ और मैं भी अपने बच्चों के साथ हूँ। ठीक है, अब हमारे साथ मम्मी भी है, मतलब हमारी पावर और बढ़ गई है। तो अब हमें सबसे पहला काम करना है, पता लगाना है कि रावण बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। पता करो, फोन में देखो, अपने दोस्तों से पूछो, टेलीविजन पे देखो, रेडियो पे देखो, जैसे मर्जी करो, लेकिन पता लगाओ रावण बनेगा कैसे। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, शुरू हो जाओ चलो। ठीक है मिल गया, रावण बनाने के लिए हमें चाहिए लकड़ियाँ, अखबार, टेप, पटाखे। तो सबसे पहले हम जुगाड़ करते हैं अखबार का। मम्मी तुम नीचे जाओ और जल्दी से अखबार लेकर आओ। काश हमारे घर में अखबार आ रहा होता तो पंकज मैं आज से निकाल के दे देती। लेकिन तूने भी तो कभी मुझसे अखबार नहीं मांगा कि मम्मी मुझे अखबार मंगा दो, मुझे पढ़ना है, ऐसा बोल नहीं सकता था क्या तू कभी? ठीक है मम्मी, मतलब अखबार, लेकिन मुझे मारना बंद करो। ओए हल्के तू अपने घर से अखबार लेके आ जल्दी। पंकज भाई कैसी बात कर रहे हो, हमारे पास अखबार कहाँ होगा, तू जानता ही है हम कितने गरीब हैं। अगर कहीं से गलती से अखबार उड़ के आ भी आता है ना, तो उसको पापा लेते हैं, पपीते में लपेटते हैं और दुकान में किसी को बेच देते हैं। यार तू हमेशा रोता ही रहता है। स्वीटी तू जा, तू कहीं से भी अखबार लेके आ। अरे यार अखबार कहाँ से लेकर आऊं? हाँ एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पे लोग पूछ के फेंक देते हैं, तो वो ले आते हैं उठा के। स्वीटी कैसी बात कर रही है तू, हमेशा है ना तू गंदी बात ही करा कर। ठीक है तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो अब से मैं सारी गंदी बात ही किया करूंगी। तू पता नहीं कब से ऐसे ही बातें करती रहती है। ओए क्या है हल्के, तू क्यों मेरे से फालतू बोल रहा है? अरे यार तुम दोनों लड़ना बंद करो, हम चलते हैं और कहीं से अखबार ढूंढ के लाते हैं। ठीक है मम्मी तुम यही रुको, हम जाते हैं और कहीं से अखबार ढूंढ के लाते हैं। ठीक है चलो।
ओए, वो देखो। अभी पंकज, ये तो वही प्रधान है ना जिसने हमें भगाया था। इसका मन कर रहा है अभी पैर काट लूं। अरे यार पैर छोड़, उसके हाथ में देख, हाथ में क्या है। अभी हाँ, इसके हाथ में तो अखबार है। रुक, मैं मांग के लाता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और सारे अखबार मांग ला उनसे। हाँ, जाता हूँ। अरे जाता हूँ के बच्चे, वो प्रधान है, प्रधान। उसने हमें रावण तो देखने नहीं दिया था, अखबार तो बहुत प्यार से दे देगा ना। उससे अखबार लेने के लिए हमें कोई चाल चलनी पड़ेगी। चाल? कैसी चाल? आइडिया, स्वीटी। स्वीटी उस प्रधान के पास जाएगी और उससे कोई ना कोई एड्रेस पूछ के उसे अपनी बातों में लगा लेगी। जब प्रधान बातों में लगा होगा, छुपके से पीछे से हम दोनों आएंगे और अखबार उठा के 9:45 हो जाएंगे। ठीक है, ये लो। ये चलो। दादाजी, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा बताना जरा। मैं तुझे दादाजी दिख रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर जी, बताना ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। हाँ दिखा, बताता हूँ। लाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। इतना टाइम लगा दिया, अजीब है। अरे मेरा अखबार कहाँ गया? कहीं हवा से तो नहीं उड़ गया? और ये मेरी छत पर कैसे आ गई? मेरा अखबार चोरी करके भाग गई, चोर। हेलो, अखबार तो हमें मिल गए। आप चाहिए हमें लड़की? अरे मैं हूँ तो लड़की। अबे पागल, लड़की नहीं, लकड़ी। अच्छा तो लकड़ी चाहिए, मैं अपने घर से बेड उठा लाऊं, वो लकड़ी का ही है। हाँ ले आ, फिर उसी बेड को हम रावण के साथ जला भी देंगे। फिर तू अपने घर पे ना जमीन पे सोइयो और अपनी मम्मी से पिटाई खाइयो। नहीं नहीं, फिर नहीं ला रही मैं। मेरी मम्मी बहुत मारती है बेलन और चिमटे से, अगर देखकर वापस दे दोगे तो बताओ तब ले आऊंगी। हे भगवान, कैसे लोगों के बीच फंसा दिया मुझे। अरे शांत, तुम्हें लकड़ी चाहिए ना, और मैं बताता हूँ लकड़ी कहाँ मिलेगी। चलो मेरे साथ। कहाँ मिलेगी बता? अरे तुम लोग आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? तुम लोग बहुत बुरे हो, मुझे आम नहीं खिलाओगे। अरे यार पंकज, तू इसको छोड़, तू चल मेरे साथ, चलो दोनों। अरे स्वीटी चल तू भी, मम्मी तुम यहीं रुको, चल चल आम खिलाऊंगा तेरे को, चल चल चल। सारा सामान इकट्ठा हो गया है। ये रही लकड़ियां, ये रहे अखबार और ये रहे बॉम्ब। चलो रावण को तैयार करते हैं, बनाते हैं। चलो चलो हो जाओ शुरू। फाइनली हो गया रावण तैयार। हाँ चलो इसे खड़ा करते हैं। लेकिन ना इसमें रावण जैसी बात कुछ कम लग रही है। कम लग रही है? रुक मैं अभी आया। अब लगा है। हाँ हल्के, ये तूने बढ़िया काम करा। चलो अभी से नीचे लेकर चलते हैं और जलाते हैं अपना रावण। चलो 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 चलो, जय श्री राम। अरे ये क्या है भाई? रावण अंकल जी, रावण। अच्छा है ना? सही है सही है, तुम्हारा रावण बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हल्का। तेरा खूबसूरत भी है ना? हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है। तुम लोगों ने देखा कैसे ये हम पे हंस के गया, हमारा मजाक उड़ा के गया है। पंकज भाई तू चिंता मत कर, ये ना ऐसे ही लोग हैं, जब कोई कुछ अच्छा करने की सोचता है ना, ये लोग उस पे हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। पंकज चलो तुम्हारी मम्मी को बुला के लाते हैं, रावण जलाने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ चलो चलो चलो।
अच्छा है ना मम्मी हमारा रावण? हाँ पंकज, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो। चल लगा दे पंकज आग। हाँ हाँ। अबे यार ये तो जल ही नहीं रहा है। अबे ये बनाया है तुमने रावण? हमारी सोसाइटी का रावण देखो कितना बड़ा है और कैसे जल रहा है फटफट करके। अंकल अब देखना हमारा रावण कैसे जलेगा जब हम भगवान से प्रे करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी हमारा रावण अच्छे से चला दो और जल्दी से जला दो और बुरे लोगों का विनाश कर दो। जलाओ मैं भी देखता हूँ कैसे जलता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। बाय बाय गाइस, लव यू, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।